नोटबंदी से कितना काला धन वापस आया, सरकार ने दो साल में कितने लोगों के काले धन को सफेद बनाने से रोका, इसकी जानकारी मोदी सरकार देने को तैयार नहीं। सरकार की इस चुप्पे से साफ है कि नोटबंदी एक बड़ी नाकामी है। अब तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने भी माना है कि नोटबंदी का काले धन पर कोई असर नहीं हुआ। चुनाव में अब भी करोड़ों की संख्या में नोटों का खेल जारी है। 2016 में पीएम मोदी ने नोटबंदी लागू कर यही नारा लगाया था कि नोटबंदी से काला धन वापस आएगा। पीएम मोदी ने तो यह भी ऐलान किया था कि अगर 50 दिनों में नोटबंदी विफल साबित हुई तो जिस चौराहे पर आप मुझे सजा देना चाहे दे सकते हैं, मैं तैयार हूं। लेकिन अब तो 750 दिन गुजर चुके हैं, अब तक नोटबंदी कामयाब साबित नहीं हुई। उल्टा जो दावे किए जाते हैं उसके बाद तो ये बड़ी नाकामयाबी लगती है, जिस पर अब पीएम मोदी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। अब पीएम मोदी नहीं बताते कि आखिर नोटबंदी का काले धन पर कितना असर पड़ा। लेकिन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी माना है कि नोटबंदी का काले धन पर कोई असर नहीं पड़ा। चुनाव में अब भी करोड़ों की संख्या में नोटों का खेल जारी है। ओपी रावत ने कहा कि नोटबंदी का चुनाव के दौरान काले धन के इस्तेमाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव के दौरान भी 200 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रकम सीज की है। इसका मतलब ये है कि चुनाव के दौरान जिस सोर्स से पैसा चुनावों में आ रहा है वह बेहद प्रभावी है और नोटबंदी पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बयान से साफ है कि पीएम मोदी की नोटबंदी नाकाम है। अब सवाल उठता है कि पीएम मोदी की अपनी नाकामी कबूल करेंगे, लेकिन मोदी सरकार के तेवर देखकर तो नहीं लगता कि वो कभी इस सच को मानेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।